एक सप्ताह तक दाम में तेजी के बाद फिर से प्याज की कीमत में भारी कमी आई है, जिससे किसान परेशान हो गए। महाराष्ट्र की कई मंडियों में किसान 1 से 2 रुपए प्रति किलो के रेट पर प्याज बेच रहे हैं। खासतौर पर औरंगाबाद और सोलापुर में हालात नहीं सुधर रहे हैं। जरा सी आवक में वृद्धि हुई नहीं कि दाम में जमीन पर आ जा रहे हैं। वहीं बता दें कि शुक्रवार को सूबे की 8 मंडियों में प्याज का न्यूनतम रेट 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ज्यादातर किसानों के पास प्याज स्टोरेज का इंतजाम नहीं है, इसलिए वह बारिश शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा माल मंडी में बेचना चाहते हैं। सवाल ये है कि स्टोरेज के अभाव में आखिर कब तक घाटा सहकर किसान प्याज बेचेंगे और इसी तरह किसानों की आय कैसे डबल होगी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी भी वस्तु का दाम तय होता है। प्याज की आवक ज्यादा हो रही है तब दाम में रिकॉर्ड गिरावट की नौबत आ रही है, लेकिन सोलापुर जिले की पंढरपुर मंडी में 17 जून को सिर्फ 437 क्विंटल प्याज की आवक हुई, फिर भी किसानों को न्यूनतम दाम सिर्फ 200 रुपये प्रति क्विंटल ही मिला, यानी 2 रुपये किलो। किसानों का कहना है कि जब तक उनके पास प्याज की स्टोरेज का पूरा इंतजाम नहीं होगा तब तक व्यापारी मजबूरी का फायदा उठाकर शोषण करना बंद नहीं करेंगे। वे बता दें महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि ज्यादातर जगहों पर प्याज के दाम में सुधार हो रहा है, कुछ जगहों पर खराब क्वालिटी की वजह से भी दाम कम मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में दाम ट्रक पर आ जाएगा। सरकार चाहे तो इस समस्या का समाधान आसानी से कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के घर स्टोर बनवा दें, इसके लिए किसानों को 2 से 3 लाख रुपए की मदद दी जाए। जब भी किसानों के पास स्टोरेज का पूरा इंतजाम होगा तब कोई भी व्यापारी इतना कम दाम नहीं देगा, क्योंकि दाम कम होने पर किसान मंडी में नहीं ला पाएंगे। वहीं इस साल देश में प्याज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। पिछले साल यानी 2021-22 में 26.6 मिलियन टन प्याज पैदा हुआ था, जबकि 2021-22 में 31.1 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है। उत्पादन ज़्यादा होने का असर भी दाम पर दिखाई दे रहा है। अब इस समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र के किसान प्याज को MSP के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। मैं बता दें कि सरकार अगर लागत के हिसाब से प्याज का न्यूनतम दाम फिक्स कर देगी तो किसान की इनकम में वृद्धि होगी, वरना वर्तमान व्यवस्था में 1 से 2 रुपए किलो के रेट पर प्याज बेचकर आय में कैसे इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।